पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को अधिकारियों द्वारा फंसाया गया है, ऐसा पत्रकारों से बात करते हुए एडवोकेट सतीश उके ने कहा। इस दौरान उन्होंने विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस पर भी आरोप लगाए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ईडी और सीबीआई द्वारा की गई रेड और जांच से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसी बीच पत्रकारों से बात करते हुए एडवोकेट सतीश उके ने कहा कि अनिल देशमुख की मासूमियत का अधिकारियों ने फायदा उठाया है। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा उन्हें फंसाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों को सौंपे थे और ये जानकारी किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ग्रुप के पास में पहुंची है इसकी कल्पना मुझे नहीं है, लेकिन इसी कारण अनिल देशमुख साहब को किस किस आरोप के तहत फंसाया गया, जो आरोप कोई इतने बड़े आरोप नहीं थे जो जिसमें उनको फंसाया गया, और किस किस तरीके से उन्होंने अपने भोलेपन का उनके भोलेपन का फायदा उठाते हुए किसी अधिकारियों ने उनकी किस तरीके से विकेट ली, आप सबके सामने है। और मैं इस बात का गवाह हूँ कि मेरी करीब करीब 150 बार मुलाकात हुई थी अनिल देशमुख जी के साथ में इन विषयों को लेते हुए। नागपुर में मुलाकात हुई, मुंबई में मुलाकात हुई, पुणे में मुलाकात हुई और कई मुलाकातों में अभियान बाराती मेरे साथ में थे, हमारे दोस्त वैभव जगताप हमारे साथ में थे। मैं जब दिल्ली में ये सारे मामले को उजागर करते वक्त मैं घूमता था गली गली, हर दरवाजे पे गया मैं, हर खासदार के दरवाजे पे गया मैं दिल्ली में जो इनके खिलाफ में थे। इस वक्त सतीश उके ने आगे बात करते हुए कहा कि इस संदर्भ में उनकी अनिल देशमुख से 150 मुलाकातें हुई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।